मुकेश सहनी से मुलाकात के बाद तेजस्वी की क्या हुई बात? तेजस्वी ने कहा मलाहो का सबसे बड़ा नेता है सहनी। वहीं नीतीश कुमार पर उठाए सवाल, भ्रष्टाचार को लेकर भी सरकार पर उठाए सवाल। जाने क्या है पूरा मामला। बिहार के पूर्व ड्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और उनके पिताजी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर सवाल खड़े किए। तेजस्वी ने कहा कि इतने बड़े नेता के पिता की हत्या कर दी जाती है तो बिहार में कौन सुरक्षित है। तेजस्वी ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में अपराधियों का बोलबाला है। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का भय समाप्त हो गया है, अधिकारियों के मन में जो आता है वो करते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री से बिहार चल नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में लूट, अपहरण, हत्या जैसे अपराध लगातार हो रहे हैं, अपराधियों को सजा नहीं दी जाती है, आखिर जनता को तो सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। इस मौके पर राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति भी मौजूद रहे। आगे सुनिए मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने क्या कहा। इनके परिजनों के प्रति हम लोगों की संवेदना है। दुर्घटना हुई और हैरान करने वाला खबर हम लोगों के समक्ष आया था। पिताजी की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई, सब लोगों में काफ़ी दुख था और हम दरभंगा जा नहीं पाए, इसलिए आज पटना आए हैं। तो इनसे मुलाकात कर हम लोग आए हैं और पूरे हमारे परिवार के लोग, पिताजी खुद दरभंगा होकर के आए थे शाद कार्यक्रम में, तो हमारी मुलाकात हुई नहीं थी। हालांकि फ़ोन पे हमारी बात हुई थी और आप लोग भी जान रहे हैं कि हम कुछ दिनों से वायरल था, उस वजह से हम जा नहीं पाए। वापस आने के बाद जब पता चला ये आए हैं तो इनसे मिलने हम लोग आए हैं और हम लोग तो भाई जैसे हैं। और बड़ी दुखद घटना हुई, हम लोग को चौंकाने वाला खबर आया था इस प्रकार से। पहले तो विश्वास थी, लेकिन जो ऊपर वाला जो लिखा है वो हुआ है। लेकिन हाल के दिनों में देखा जा रहा है, आप लोग भी देखते होंगे कि लगातार हम अपना प्रेस रिलीज हो या सोशल मीडिया पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बिहार सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। हर जगह हत्या, अपहरण, लूट, डकैती, बैंकों में लूट, इस तरह की घटनाएं जो हैं बढ़ती जा रही हैं। और कहीं ना कहीं से ये साबित हो गया है कि मुख्यमंत्री का इकबाल जो है प्रशासन पर वो ख़त्म हो चुका है। पुलिस का भय नहीं रह गया है लोगों के मन, जो अपराधी हैं, और अपराधियों को जो है संरक्षित किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, ये साबित हो रहा है। लगातार बिहार में प्रतिदिन हत्या, मर्डर, रेप, अपहरण घटना हो रही है, लेकिन सत्ता में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसको देखने वाला हो। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी काफ़ी देरी होती है, लोगों को न्याय नहीं मिल पाता, अपराधियों को सजा नहीं दिला पाती है पुलिस। तो ये काफ़ी गंभीर विषय है। जो लोग जंगल राज की दुहाई देते हैं, आज इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं उस पर प्रशासन के लोग चुप हैं, खामोश हैं। अपराधियों को बचाया जा रहा है, घोटालेबाजों को बचाया जा रहा है, नीट पेपर के घोटालेबाजों को बचाया जा रहा है, सरकार में कई भ्रष्टाचार में उसमें बचाया जा रहा है लोगों को, बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। और लगातार इस बात को लेकर के बिहार के लोग जो है हाहत है कि ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा है, दूसरा इंजन अपराध में लगा हुआ। तो हम लोग सब लोग देखें, ये तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भाई
अति पिछड़ों के मुकेश सहनी जी इतने बड़े नेता हैं, बिहार के नेता हैं, और इनकी पिता की अगर इस तरह से हत्या कर दी जाती है तो आज कोई भी सुरक्षित नहीं है, तो ये सवाल तो खड़ा होता ही है। तो हम लोग सब लोग जो हैं इस दुख के घड़ी इनके हम लोग साथ हैं। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मलाहो के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं मुकेश सहनी, ऐसे में उनकी पिता की हत्या कर दी जाती है तो फिर आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकता है। सरकार पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है, नीतीश कुमार से अब बिहार नहीं संभल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बोले भारत।